नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। हमने टाइम स्ट्रेचिंग के ऊपर काफी बार पहले भी बात की है और मैं आशा करता हूं शायद आपको मालूम हो। जिनको नहीं मालूम मैं उन्हें बता दूं, बहुत ही सिंपल है। यहां पर एक स्ट्रेच का बटन होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं और किसी भी ऑडियो को हम टेम्पो के हिसाब से ज्यादा या कम बिठा लेते हैं स्ट्रेच करके, राइट। इसे बंद करते हैं, वो वापस बंद हो जाती है। जब भी हम इसे ऑन करते हैं और कुछ भी, जैसे ही मैं स्ट्रेच करता हूं, आप यहां पर देखेंगे जो टाइम नॉब मेरी होती है उसकी जो सेटिंग है वो चेंज हो जाती है, और मैं चाहता हूं जैसे पहले था एग्जैक्टली वैसा हो जाए, तो मैं इसे पकड़ के बिल्कुल जीरो कर देता हूं। ये एक नॉर्मल चीज़ है। यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लेटेस्ट अपडेट आया है FL Studio का, उसके अंदर स्ट्रेच प्रो नाम की एक ऑप्शन है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे अलग अलग रिकॉर्ड किए। एक्चुअली मैं अपना प्रोड्यूसर टैग रिकॉर्ड कर रहा था, मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। देव नेक्स्ट लेवल बीट्स। तो इसके आगे और भी सॉरी, इसको ऑफ कर दूँ एक बार। इसके आगे और भी काफ़ी सारे थे पर मैंने कहा ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। देव नेक्स्ट लेवल बीट। अब मैं चाहता हूँ इसको प्रॉपर टेम्पो पे बिठाऊँ, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि इसका फॉर्मेट कैसे चेंज हो सकता है, जो मेन इस लेक्चर का मुद्दा है। मैं मेट्रोनोम ऑन करता हूं। नेक्स्ट लेवल बीट्स। 3 4 1 2 देव नेक्स्ट लेवल बीट्स। तो इस लाइन पे सबसे पहले मैंने ऑल्ट प्रेस करके यहां बिठा लिया है एकदम, ठीक है। यहां से मैं कट करता हूं। नेक्स्ट लेवल बीट्स। तो यहाँ बीट्स, यहाँ बीट्स इस लाइन पे आना चाहिए। तो मैंने वापस स्ट्रेच ऑन किया, इसे पकड़ा और जो बीट्स है उसे यहां बिठाया। नेक्स्ट लेवल बीट्स। देख रहे हैं, अब वो ऑलमोस्ट टेम्पो के ऊपर आ गया है। अब मैंने इसे डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे स्ट्रेच किया तो जो टाइम नॉब है वो चेंज हो गई और इसकी पिच भी चेंज हो गई है। तो पिच को मैं करूंगा रीसेट ताकि उसकी पिच वैसी ही रहे, पतली या मोटी ना हो। अब यहां पर जो ऑप्शन है, मैं स्ट्रेच पे क्लिक करता हूं और मैं जाता हूं स्ट्रेच प्रो। स्ट्रेच प्रो के अंदर यहां पर मेरे पास एक फॉर्मेट की ऑप्शन आई है। जब हम आवाज को पतली या मोटी करते हैं स्ट्रेच करते वक्त, तो ऑब्वियसली उसका सुर चेंज हो जाता है क्योंकि पिच चेंज हो रही होती है। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका गाना जी पे है या ई माइनर पे है तो वो एफ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा या डी शार्प या डी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जैसे आप पिच को बढ़ाएंगे या घटाएंगे आवाज पतली या मोटी करने के लिए। बट फॉर्मेट में क्या होता है, हम आवाज पतली या मोटी कर सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है वो कोशिश करता है कि जो आपकी आवाज़ का सुर है वो ना चेंज हो, आपकी की पर आपके स्केल के ऊपर ही रहे। आइए देखते हैं किस तरह से वो करता है। मैं एक लूप बना लेता हूं इसकी। तो आप देख रहे हैं कई बार हम गाने के आगे ड्रॉप लेते हैं, ना 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 ड्रॉप दैट, और उसके बाद हम बीट देते हैं तो हम हमेशा पिच डाउन कर लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा फॉर्मेट वाले लेक्चर में कि हम फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब हमें कोई VST लेने की जरूरत नहीं है फॉर्मेट चेंज करने के लिए। हल्की सी मैं चाहे पिच डाउन करूं और थोड़ा सा मैं यहां से डाउन कर दूं तो बहुत अच्छी चीज है, मेरा जो सुर है मेरे गाने का वो चेंज नहीं होगा। अब मैं देखता हूं मुझे फाइनली यहां पर क्या जच रहा है। बस इतना इनफ है, राइट। तो आई होप आपने टाइम स्ट्रेचिंग की आज एक बहुत जबरदस्त अपडेट देखी होगी और कुछ नया सीखा होगा। क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कीजिए ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।